सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। खवातीन और अकलियतों की तमाम खाली सीटें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। अली जफर कहते हैं पूरा इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब के दौरान सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को मुसल्ला अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बिलावल भुट्टो की मिसाक़े मुफाहमत की हिमायत, अपोजिशन को मिलकर चलने की दावत। बोले बानी पीटीआई ने साइफर गुम करने का एतराफ किया, कौमी सलामती पर समझौता किया, इसकी मजम्मत और कानून के मुताबिक सजा भी बनती है। साइफर मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, असद कैसर का बिलावल भुट्टो को जवाब। उमर अयूब का शहबाज शरीफ को वजीर आजम मानने से ही इनकार। बैरिस्टर गौहर बिलावल भुट्टो पर बरस पड़े, कहा नाम के साथ भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। और इत्तेहादी जमातों के वफद की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात, सदारती इलेक्शन में हिमायत की दरखास्त। अब्दुल अलीम खान ने कहा आईपीपी पूरे दिल से आपके साथ है, तमाम बड़ी पार्टियों को एक एक सूबा मिल गया, अब अवाम को रिलीफ देना चाहिए।